तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद टू क्लोजली वाउंडेड सर्कुलर कॉयल ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी, मतलब दो सर्कुलर कॉयल है, इनकी रेडियस अपना दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सर्कुलर कॉयल है, इनका रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस आर ए है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो आर बी है जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस है आर ए रिस्पेक्टिवली, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल ए एंड बी, मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स एन ए है और इसमें करंट आई ए है, समझ में आ रहा है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन बी है, इसमें करंट आई बी है रिस्पेक्टिवली। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो मेरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट अप टू बी आर इक्वल, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल है तो एक काम करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए, तो एन आई ए यहाँ से और एन मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट और एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन बी करंट इन बी और एरिया ऑफ बी, ठीक है ना। और ये एरिया ऑफ ए था, तो यहाँ से तुम देखोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स एन ए और मल्टीप्लाइड बाई करंट आई ए, और यहाँ से आ जाएगा पाई रेडियस आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स बी मल्टीप्लाइड बाई करंट इन बी मल्टीप्लाइड बाई आर बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई। तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ये पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, और रेडियस की जो रेडियस यहाँ से देखोगे एन ए और आई ए। अब यहाँ से जो पहली वाली जो रेडियस थी वो कितनी थी, 10 थी यार, तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एन बी और यहाँ से आई बी और मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले की रेडियस कितना है, यहाँ से आ जाएगा 400। 20 ने 20 को यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन ए करंट इन ए इज रिलेटेड टू 4 times नंबर ऑफ टर्न्स बी करंट इन बी। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बाय बाय, टेक केयर।